Hello everyone, welcome to my channel AS Classes. This is Aprajita and I have brought for you a new video. Class 5 Computer Part 1. Today we will study the Chapter 1 Basics of Computer, under which we will cover the topic Introduction and Characteristics of Computer. So now let's move on to the introduction. Definition: a computer is an electronic device that can manipulate raw data to convert it into meaningful information. Computer ek electronic device hai jo hamari data ko, that means input ko, manipulate karta hai, that means process karta hai aur ise meaningful information mein badal deta hai. It performs the following three operations in sequence. Computer three stages में काम करता है. Number one, it receives data and instructions from the input device. ये input devices से data लेता है. Number two, processes the data as per instructions. CPU के instructions के हिसाब से ये data पे processing करता है. And number three, provides the result in a desired form. और जैसा कि user को ज़रूरत होता है, वैसा ये instructions से processing करके आउटपुट में डेटा को बदल देता है और वो यूजफुल इंफॉर्मेशन की तरह यूजर्स के पास पहुंच जाता है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, ये एडवांटेजेस हैं कंप्यूटर के. नंबर वन, हाई स्पीड. कंप्यूटर्स हैव द एबिलिटी टू परफॉर्म रूटीन टास्क एट अ ग्रेटर स्पीड देन ह्यूमन बींग्स. दे कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस इन सेकेंड्स. जैसा कि आप जानते हैं, कंप्यूटर्स बहुत ही फास्ट काम करते हैं, इनका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है. ये ह्यूमन बींग से कहीं भी ज़्यादा फास्ट काम कर सकते हैं. बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को सेकंड से भी कम समय में कैलकुलेट कर देते हैं. नंबर टू, एक्यूरेसी. नंबर थ्री, स्टोरेज. कंप्यूटर्स कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. एनी आइटम ऑफ डेटा और एनी इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन द मेमोरी कैन बी रिट्राइव्ड बाय द कंप्यूटर एट लाइटनिंग स्पीड्स. जितना फास्ट इसका कैलकुलेशन है, साथ ही साथ कंप्यूटर बहुत ही फास्ट टाइम में हमारी डेटा को कैलकुलेट करके, कंप्यूट करके स्टोर भी कर देता है. जिस टाइम हम सेव बटन पे क्लिक करते हैं, उसी समय ये डेटा हमारे कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है. नंबर फोर, ऑटोमेशन. कंप्यूटर्स कैन बी इंस्ट्रक्टेड टू परफॉर्म कम्प्लेक्स टास्क ऑटोमेटिकली. कंप्यूटर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कामों को भी एक साथ जल्दी जल्दी कर देता है. नंबर फाइव, डिलीजेंस. कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म द सेम टास्क रिपीटेडली एंड विद द सेम एक्यूरेसी विदाउट गेटिंग टायर्ड. कंप्यूटर्स को थकान नहीं होते हैं और वो बिना टायर्ड और बिना बोर हुए बहुत सारे काम को बिल्कुल एक्यूरेटली, बिना किसी गलती के, जल्दी जल्दी बार बार कर सकता है. नंबर सिक्स, वर्सेटिलिटी. कंप्यूटर्स आर फ्लेक्सिबल टू परफॉर्म बोथ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टास्क. ये बहुत ही आसान से आसान काम को भी जल्दी कर देता है और साथ ही साथ बड़े से बड़े कैलकुलेशंस और काम को भी हमारे लिए जल्दी कर देता है. तो ये वर्सेटिलिटी इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. नंबर सेवन, कॉस्ट इफेक्टिवनेस. कंप्यूटर्स रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पेपर वर्क एंड ह्यूमन एफर्ट, देयर बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट. और पेपरलेस वर्क करने के लिए कंप्यूटर तो बहुत ही फेमस है. ये हमारे काम को बिना किसी पेपर के कर देता है, तब तक जब तक हम इसका कोई प्रिंट ना निकालें. जैसा कि आप लोगों ने भी पढ़ लिया होगा एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, तो अब हम थोड़ा इसके कमियों को भी जान लेते हैं कि कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता है. देयरफॉर वी विल स्टडी लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर्स. नंबर वन, कंप्यूटर्स नीड क्लियर एंड कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ टास्क एक्यूरेटली. इफ द इंस्ट्रक्शंस आर नॉट क्लियर एंड कंप्लीट, द कंप्यूटर विल प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड रिजल्ट. अगर कंप्यूटर्स को सही से इंस्ट्रक्शन ना मिले तो यह किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर सकता है. नंबर टू, कंप्यूटर्स कैन नॉट थिंक. जैसा कि हम जानते हैं, कंप्यूटर सोच नहीं सकता है. नंबर थ्री, कंप्यूटर्स कैन नॉट लर्न बाय एक्सपीरियंस.